डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री मनीष गुप्ता आज रायबरेली में मौजूद रहे। उन्होंने उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। व्यापारियों ने 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंत्री मनीष गुप्ता ने व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार व्यापारियों के हित के लिए काम कर रही है। व्यापारिक बोर्ड का गठन व्यापारियों को सहयोग करने के लिए और अधिकारियों की मनमानी को खत्म करने के लिए किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर मनमाने तरीके से काम करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी कि उनके द्वारा कई ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई गई है जिन्हें व्यापारियों के शोषण करते हुए पाया गया है। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। अमित जायसवाल जी, महादेव जी, निर्मल कुमार अग्रणी जी, प्रेमचंद श्री, सुभन चौधरी जी आए नहीं है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं खामोशी के साथ नहीं, जितने आगे और पीछे जितने भी लोग, जोर से तालियां हो जाए सभी की, क्या बात है। और पंकज मुरारका सर जी के लिए जोर से तालियां। कैबिनेट मंत्री जी हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं, उनका स्वागत सम्मान समारोह हो रहा है। और पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है हमारे बीच में। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, अखिल भारतीय चित्रांत महासभा के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले हमारे बीच में उत्तर प्रदेश डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहाँ खबरों का सिलसिला चलता है।